मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने बीपीएससी से शिक्षक बहाल साथी हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं सारे शिक्षक साथियों के लिए। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठिएगा। जिस चीज का आप लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस लाभ का आप लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो सारे लाभ आप लोग को मिलने जा रहा है। चाहे तो वो मेरे नियोजित शिक्षक हो, चाहे तो वो फिर सक्षमता पास होकर जो विशेष शिक्षक बनने जा रहे वो शिक्षक हो, चाहे तो बीपीएससी बहाल शिक्षक हो, चाहे तो मेरे जितने बीपीएससी ट्री का जो एग्जाम दिए हैं जितने भी शिक्षक साथी हैं, अब सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज बिहार विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनका आज बहुत ही बड़ा बैठक था, बहुत ही बड़ा मीटिंग था, और इस बैठक के बाद बहुत सारे मुद्दों पर बात किए गए, बहुत सारी चीजों पर निर्णय लिए गए। तो सारा निर्णय आज आप लोगों के सामने मैं आज रखने वाला हूं, किन किन मुद्दों पर बात किए गए, किन किन मैटर पर बात किए गए, क्या हुआ सारे मैटर को लेकर, किस पे राजी हुए, क्या कुछ हुए, मतलब तमाम जितने भी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी शिक्षक साथी हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सपोर्ट करने के लिए, आवाज बनने के लिए। आज यही कारण है कि आज हम लोग को कहीं ना कहीं सफलता मिला है, और कहीं ना कहीं सफलता की ओर जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको लेकर सरकार अब बेटर सोच रही है और बेटर करने जा रही है। ऐसे में बहुत सारे मुद्दों पर बातें करेंगे, कुछ कुछ जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं शिक्षक के विरोध में भी है, तो सारे चीज को लेकर आज डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, सारी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहा करें, सपोर्ट करिएगा आवाज उठाने के लिए, आवाज बनने के लिए, ठीक है। पहले तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, इसमें सिर्फ नियोजित शिक्षक ही नहीं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सक्षमता पास शिक्षक हैं, बीपीएससी बहाल शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी ट्री का एग्जाम दे वो बहाल हुए उनको लेकर भी बहुत खास अपडेट है। जितने भी फिजिकल टीचर हैं उन सभी के लिए भी आज के इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट है, खुशखबरी भी है। अतिथि शिक्षक हैं, यानी कि बहुत सारे मैटर पर बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं। और ऐसे में आप लोग को पता है कि जितने भी शिक्षक हैं, एग्जाम आप लोग दिए हैं सक्षमता पास, उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी था कि क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, राजकर्मी का जो दर्जा मिलने वाला है सिर्फ राजकर्मी का दर्जा ही मिलकर रह जाएगा क्या, क्या वेतन इंक्रीज होंगे, प्रमोशन मिलेंगे उसके बाद भी। सारे शिक्षकों का एक बहुत ही बड़ा मांग था जो कि था ऐच्छिक ट्रांसफर, ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर। तो क्या ऐच्छिक अब स्थानांतरण सारे शिक्षक को मिलेंगे, सारे डिसीजन लिए गए और सारे पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिसीजन लिए गए, शिक्षकों के हक में लिए गए, और ये सारा जो डिसीजन है ये बहुत ही जल्द लागू भी कर दिए जाएंगे। पर इसी बीच आप लोग देख रहे होंगे जितने भी शिक्षक साथी हैं जो लोग विद्यालय जा रहे हैं, इनका अभी भी एक बहुत सारे कमेंट आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं भैया कि जो ई शिक्षक कोर्स ऐप है ये अभी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी परेशानी हो रहे हैं, तो इसमें शिक्षक लोग कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। तो उस पर सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, शिक्षा विभाग को डिसीजन लेना चाहिए, और अच्छे कंपनी से, भाई आप अच्छे कंपनी से करवाए, क्यों बदनाम होते हैं खुद, क्यों अपने आप को बदनाम कराते हैं। अरे भैया जब एप्लीकेशन आपका वर्क नहीं कर रहा तो कोई अच्छे कंपनी को दे, अच्छे कंपनी का एप्लीकेशन यूज करें, सही से उस पर वर्क करवाएं। तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग या फिर सरकार बदनाम होते हैं और शिक्षक लोग आवाज उठाते हैं, तो इस चीज को लेकर उनको ध्यान देना होगा, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस पर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। अगर ये ऐप अगर काम नहीं करता है सही से, अगर सही से वर्क नहीं कर पाते हैं, अगर टाइम से जितने भी शिक्षक हैं अगर अपना अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पेमेंट कट जाएंगे, ठीक है। और आप लोग का जैसा कि पता है कि भैया अगर 10 बजे के बाद अगर अटेंडेंस बनता है तो आपका जो हाफ दिन का है वो पेमेंट कट जाएगा, हाफ सीएल बनेगा। अगर यही दूसरा दिन भी ऐसे ही हुआ तो फिर एक सीएल हाफ हाफ मिला के काट ले जाएंगे। तो ये सब चीज पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीज पे ज्यादा गौर करना होता है, ज्यादा फोकस करना होता है, जो कि नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं सारे शिक्षक परेशान हो जाते हैं सारी चीज को लेकर। तो उस पर शिक्षा विभाग ध्यान दे, आयोग ध्यान दे, और जो सरकार है कहीं ना कहीं अगर पैसा बर्बाद कर ही रहा है, पैसा लगा ही रहा है, तो क्यों ना हम अच्छे एप्लीकेशन के तहत, अच्छे कंपनी के तहत जुड़कर इस पर काम करें, जो कि सही से काम करे, सही से वर्क करे। चलिए, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, जैसा कि सारे शिक्षकों का मांग था कि इस मुद्दे को जरूर रखेगा, ये मुद्दे को रखे भी गए। पर अब मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बैठक हुआ है ये बिहार विधान परिषद के जितने भी सदस्य थे उनके अध्यक्षता में ये सारे बैठक किए गए, उनमें सारे बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी लोग मौजूद थे, जैसे कि आपका शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार हैं वो खुद मौजूद थे, ऐसे में जो आनंद किशोर हैं वो खुद भी मौजूद थे, बड़े बड़े नेता मंत्री एमएलसी जो जीवन कुमार हैं वो खुद वहां पर मौजूद थे, सारे नेता मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी लोग सारे मौजूद थे, और उनके अध्यक्षता में सारे डिसीजन लिए गए, उसमें तमाम सारे मुद्दों पर बातें की गई। पहले तो मैं बात करूंगा सारे अतिथि शिक्षक को लेकर, गेस्ट शिक्षक को लेकर, जो कि लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार परेशान थे कि आखिरकार उनको लेकर क्या कुछ होंगे। और भी बहुत सारे स्टेट हैं, उन स्टेट में देखिएगा कि जितने भी
अतिथि शिक्षक हैं, उनको लंबे टाइम तक रखे जाते हैं, 60 साल 65 साल तक रखे जाते हैं, तो भैया बिहार में क्यों हटा दिए गए थे? बिहार में इस तरह से उनके साथ क्यों प्रॉब्लम किए गए, जबकि क्वालिटी वाले टीचर हैं, कहीं ना कहीं निपुण टीचर हैं, वो 7 साल 8 साल से पढ़ा भी रहे हैं, तो एक्सपीरियंस भी हैं, उसके बावजूद भी उनको हटाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी था, ये गलत बात थे, और सारे मंत्री लोग इस पे बात किए, डिसीजन लिए, और कहीं ना कहीं उनके हक में सारा फैसला आया। जो शिक्षक इतने साल से पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक 8 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो भैया वो तो इस काम में लगे थे, आप इनको अगर अचानक हटा दीजिएगा तो ना वो घर के रह गए ना घाट के रह गए, वो कोई फालतू टीचर तो थे नहीं, ये गेस्ट टीचर हैं भाई, एक्सपीरियंस टीचर हैं, क्वालिटी है, पढ़े लिखे हैं, तभी तो वो पढ़ा रहे थे, तभी तो उनको आप लिया वो पढ़ा रहे थे, ऐसे ही तो नहीं पढ़ा रहे थे। तो भैया मंत्री लोग का फिर जो डिसीजन आया उसको लेकर एज भी उनका बढ़ाया जाएंगे और उनको परमानेंट किया जाएगा, ये नहीं कि उनको कोई सरकारी ये दे दिए जाएंगे पर उनको परमानेंट रखा जाए, ऐसा थोड़ी है कि गेस्ट टीचर है, अतिथि शिक्षक है, तो उनको जब मन तब हटा दीजिएगा, कहीं ना कहीं कमी है, जो चीज़ का दिक्कत है, तो भैया आप बाहर से शिक्षक लिए हैं, तो शिक्षक लिए हैं तो वो लोग भी क्वालिटी वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, शिक्षित हैं, एक्सपीरियंस हैं, कैसे उनको हटा दीजिएगा? 7 साल 8 साल से पढ़ा रहे हैं तो कोई ये नॉर्मल टीचर तो रहे नहीं, तो उनको हटाना कहीं से सही नहीं था, तो उनको लेकर भी डिसीजन लिए गए कि उनको अब रखे जाएंगे, रखना भी चाहिए। जो लोग सरकारी शिक्षक है, जो लोग एग्जाम देकर जा रहे हैं, उनका तो भाई ठीक है, उनको तो रखे जा रहे हैं, पर जहां कमी है उसके जगह पर अगर रखे जा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? और उसका एज भी बढ़ाए जाएंगे 65 साल तक के, जितने भी मतलब 65 साल तक ये जितने भी गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनको रखा जाएगा, और बहुत सारे स्टेट में यही तरीका का चल भी रहा है, तो बिहार में भी रखना चाहिए। तो वो लोग अब परेशान ना हो, चिंता ना हो, जो लोग आंदोलन कर रहे थे लगातार, तमाम सारे मैटर हो रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं ये गेस्ट टीचर के लिए एक अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसे में जितने भी फिजिकल टीचर हैं उनका पेमेंट बहुत कम है, क्योंकि वो लोग भी काम करते हैं, वो लोग भी दौड़ते धूपते हैं, वो लोग ही परेशान होते हैं, तो भैया एक लेबर से भी कम पेमेंट इनका क्यों है? 8,000 ही पेमेंट है भाई महीना का, तो कहीं ना कहीं लेबर से भी ज़्यादा कम पेमेंट रखे गए, तो उस पर भी अच्छा खासा डिसीजन लिया गया, लंबा बातचीत चला, अब उनका भी कहीं ना कहीं पेमेंट बढ़ाने को लेकर बातें रखे गए। जितने भी फिजिकल टीचर हैं उनका अब पेमेंट बढ़ेगा, पेमेंट में बढ़ोतरी होगा। ऐसे में जितने नियोजित शिक्षक हैं, जो लोग बीपीएससी ट्री दिए हैं वो बहाल हो गए हैं, तो जो इनका कार्य अवधि था, यानी कि अगर नियोजित शिक्षक में वो पढ़ा रहे थे 10 साल से, अब वो एग्जाम देकर चले गए, बीपीएससी शिक्षक बहाल हो गए, तो भैया ये नया बहाल नहीं हुआ है, अब उनका काउंट होगा कि नियोज शिक्षक में कितने साल से पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो जो सेवा निरंतरता का जो बात है अब उनको भी मिलेगा, अब उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस टीचर है, 8 साल 10 साल से पढ़ा रहे थे, तो उनको नया बहाल करके काउंट नहीं किए जाएंगे कि अब ये 4 महीना से पढ़ा रहे हैं, नहीं, उनका पीछे का भी जितना भी अवधि है वो भी लिए जाएंगे, और उसके मुताबिक शायद उनका प्रमोशन मिलेंगे या फिर वेतन में बढ़ोतरी होगा, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है सारे नियोजित शिक्षक को लेकर, कि नियोजित शिक्षक जो लोग बीपीएससी शिक्षक बहाल हुए हैं अब उनको कहीं ना कहीं डबल फायदा मिलने वाला है। ऐसे में जितने भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए हैं अब बीपीएससी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो भैया उनका कोई नया बहाली नहीं होगा, और इसी चीज को लेकर हम लोग को मांग था, हम लोग मांग कर रहे थे कि जितने भी नियोजित शिक्षक एग्जाम दे रहे हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ, ऐच्छिक स्थानांतरण, ऐच्छिक ट्रांसफर, ये सब का लाभ मिलना चाहिए, वेतन में बढ़ोतरी मिलना चाहिए। जो नियोजित शिक्षक है उनको तो भाई कोर्ट से सारा चीज मिले ही है, अगर नियोजित शिक्षक रहेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हकीकत में सारे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं ये नियोजित ही रहना पसंद करते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी पसंद नहीं करते हैं, अभी भी पसंद करते हैं, पर उनका आत्मसम्मान पर बात आ गया था, आवाज उठने लगा था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं ये लोग योग्य नहीं है, शिक्षक लायक नहीं है, तो भैया वो लोग भी सक्षमता परीक्षा दिए और अपने आप को साबित किए कि नहीं, मैं भी योग हूं, मैं भी एग्जाम पास कर सकता हूं, चाहे तो 15 साल बाद पास करे, 10 साल बाद पास करे, मैं भी योग हूं, और इन्होंने जो है योग साबित कर भी दिया एग्जाम देकर, लाखों की संख्या में शिक्षक लोग यहां पर सफलता प्राप्त किए, पास हुए, अब उनका काउंसलिंग भी हुआ, ऐसे में सक्षमता दो भी हुए, अब सक्षमता दो का भी अब रिजल्ट आएंगे, काउंसलिंग सक्षमता वन का रुका हुआ है वो भी जल्द से जल्द कर ली जाएंगे, पर उनका जो सारा प्रक्रिया है इतना जल्दी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं टाइम लगेंगे, 4 महीने का टाइम लग सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर अब जितने भी सक्षमता पास शिक्षक के जो लोग विशेष शिक्षक बनेंगे उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ा मांग था, ठीक है, बहुत ही बड़ा मांग था, तो अब उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐच्छिक ट्रांसफर को लेकर जो महिला लोग हैं, चाहे तो जो भी दिव्यांग लोग हैं, इन सारे को ट्रांसफर को भी लेकर बात किए गए, अब सारे शिक्षक को कहीं ना कहीं ऐच्छिक ट्रांसफर भी मिल सकते हैं। ये सारा जो डिसीजन हुआ, सारा जो बैठक हुआ, ये सारा बैठक पे सारे मंत्री पॉजिटिव कहीं ना कहीं नजर आए, सारे लोग हाँ में हाँ किए कि हाँ ये सारा चीज सही है और जितने भी शिक्षक उनको लाभ मिलना चाहिए, और इसके पीछे का कारण भी हो सकते हैं, चाहे तो इलेक्शन हो सकते हैं, चाहे तो और भी कुछ कारण हो, पर कहीं ना कहीं सारे शिक्षक के हक में फैसला होता हुआ दिखाई दिया, तब हो सकते हैं कि बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। और ऐसे में जितने भी जो हेड थे, चाहे तो जो बड़े बड़े मंत्री थे, उनके तरफ से एक
निर्णय लिया गया कि सारा जो प्रक्रिया है, जो भी डिसीजन हुए हैं, ये एक महीना के अंदर लागू कर दिए जाएंगे। एक महीना को वो टाइम मांगे हैं, एक महीना के अंदर चाहे तो अतिथि शिक्षक हो उनको लेकर, चाहे तो फिजिकल टीचर हो, चाहे तो फिर वो नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी बहाल हुए हैं उनको, चाहे तो फिर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे तो फिर जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक बनने वाले हैं, सारे को लेकर एक महीना के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय आने वाला है, बड़ा डिसीजन आने वाला है। बैठक हो रहे थे पहले, पर बैठक का कोई निर्णय नहीं आ रहा था, बार बार बैठक हो रहे थे, चाहे नाश्ता हो रहे थे और फिर सारे लोग चल जा रहे थे, पर इस बार कहीं ना कहीं इस चीज को गहनतापूर्वक लिए गए और बड़ा बैठक किया गया और डिसीजन लिए गए और सारे मुद्दों को रखा गया। तो मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही खास अपडेट था, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी थी। सारे नियोजित शिक्षक को लेकर, जितने भी शिक्षक लोग थे उनको लेकर, तो मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, इस चैनल को सारे लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें और जो इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी अपडेट आएगा, पल पल का इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।